हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ न्यू जीएसटी रिटर्न फॉर्म्स के बारे में। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा जो हमारी न्यू जीएसटी रिटर्न है, इसमें जीएसटी आरईटी 1 नॉर्मल के बारे में, जीएसटी आरईटी 2 सहज के बारे में और जीएसटी आरईटी 3 सुगम के बारे में। तो गाइस, और इसका मैं अपनी जो प्रोफाइल किस प्रकार हमें ऐड करनी है और इसके बारे में बताऊँगा और कंपेयर करके बताऊँगा जो आपकी ओल्ड जीएसटी रिटर्न है और जो हमारी न्यू जीएसटी रिटर्न आने वाली है, और क्या इसकी लिमिट है, किस लिमिट पे हमें क्वार्टरली और मंथली रिटर्न जो है वो फाइल करनी है, तो आप उसी के आधार पर अपनी प्रोफाइल ऐड करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और गाइस, यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, जैसे कि हमारी जो न्यू जीएसटी रिटर्न है इसमें मंथली और क्वार्टरली है, तो गाइस जो मंथली है हमारी, मंथली रिटर्न जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है उसको वो सिलेक्ट करनी है, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है तो उसको मंथली रिटर्न उसमें सिलेक्ट करनी है, अपनी जो प्रोफाइल ऐड करनी है। अब बात आती है क्वार्टरली की, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, और इसमें पीएमटी फॉर्म के बारे में भी बताऊँगा ये क्या है। तो गाइस, जो हमारी क्वार्टरली रिटर्न है उसमें हमारी, जैसे कि जीएसटी आर आरईटी 1 नॉर्मल, जीएसटी आर आरईटी 2 सहज और जीएसटी आर आरईटी 3 सुगम है। तो गाइस, सबसे पहले जो फॉर्म है ये है पीएमटी 08। तो ये क्या है पीएमटी 08? तो गाइस, ये पेमेंट का फॉर्म है, जैसे कि हमारा 3B था, पेमेंट टैक्स फॉर्म है लाइक जीएसटीआर 3B। तो गाइस, जैसे हम मंथली बेसिस पर अपने जीएसटीआर 3B फाइल करते थे, ऐसे ही हमें न्यू जीएसटी रिटर्न में भी मंथली ही ये फॉर्म भरना पड़ेगा पीएमटी 08, चाहे वो मंथली हो चाहे वो क्वार्टरली हो। तो गाइस, जो पीएमटी 08 है न्यू जीएसटी रिटर्न में, ये चाहे वो मंथली आपने अपनी ऐड प्रोफाइल की है, आपने मंथली रिटर्न फाइल करोगे या आप क्वार्टरली करोगे, बट आपको पीएमटी 08 जो फॉर्म है ये भरना होगा। चाहे उसमें आपका ITC निकल रहा है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अन्यथा यदि आपका टैक्स निकलता है तो आप उसे जमा करेंगे, बट ये हमें मंथली बेसिस पर फॉर्म भरना होगा। तो गाइस, ये न्यू जीएसटी रिटर्न में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाइस ये हमारी, इसका सिर्फ फॉर्मेट चेंज हुआ है, बट उसकी जगह पर फॉर्म्स की चेंजिंग की गई है, नाम बदल दिए गए हैं। तो गाइस, अब उसके बाद आते हैं नंबर 2 पर, जीएसटी आरईटी 1 नॉर्मल। तो गाइस, उससे पहले मैं आपको जो नंबर 3 है जीएसटी आरईटी 2 सहज के बारे में सबसे पहले आपको समझाऊंगा, और लास्ट में हम जीएसटी आरईटी 1 नॉर्मल पर आएंगे। तो गाइस, जीएसटी आरईटी 2 सहज जो सिलेक्ट करनी है, उसमें गाइस आपने लोकल में ही परचेज़ की है, लोकल में ही सेल की है, किसको की है, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर, तो आपको जीएसटी आईटी 2 सहज सिलेक्ट करनी है। क्या गाइस, आपने बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ही परचेज़ की है लोकल, और आपने B2C ही सेल की है लोकल अपने ही स्टेट में, जिस स्टेट में आप, आपका बिजनेस है उसी में ही आपने सेल की है और उसी में ही परचेज़ की है, किसको, बिजनेस टू कंज्यूमर को, तो आपको जीएसटी आरईटी 2 सहज सिलेक्ट करनी है। ठीक है गाइस, ये तो होगी हमारी जीएसटी आरईटी 2 सहज। तो आपने लोकल में ही परचेज़ की है, लोकल में ही सेल की है, किसको की है, बी टू सी में, तो गाइस आपको जीएसटी आईटी 2 सहज सिलेक्ट करनी है। अब गाइस बात आती है नंबर 4 जीएसटी आईटी 3 सुगम। तो गाइस इसमें क्या है हमारा, जो हमारी जीएसटी आईटी 3 सुगम है, इसमें B2C प्लस B2B प्लस RCM प्लस लोकल परचेज प्लस लोकल सेल,
तो गाइस जो हमारी GST RET 2 है सहज, तो उसमें क्या था, हमने लोकली परचेज किया, लोकली सेल किया बिजनेस टू कंज्यूमर को, B2C। बट गाइस इसमें क्या है, सुगम में यदि हम डिफरेंस देखें GST RET 3 सुगम में, इसमें B2C प्लस B2B प्लस RCM, और लोकल ही इसमें परचेज किए, लोकली इसमें सेल किए। तो गाइस आपने चाहे वो B2C हो चाहे B2B हो, लोकल आपने परचेज किया, लोकल आपने सेल किया प्लस इसमें RCM, तो RCM तो आपको GST RET 3 सुगम सिलेक्ट करनी है। आपने लोकल में ही परचेज की है, लोकल में ही सेल की है, चाहे आपने B2C की है, चाहे आपने B2B की है, चाहे आपका RCM उस पर अप्लाई है, तो आपको GST RET 3 सुगम सिलेक्ट करनी है। तो गाइस GST RET 2 सहज में RCM एप्लीकेबल नहीं है, तो उसमें RCM यदि आपकी कोई RCM वाली है तो आपको B2C और GST RET 3 सुगम सिलेक्ट करनी है, चाहे आपने लोकल परचेज की है, चाहे आपने लोकल सेल की है, चाहे वो B2C हो चाहे वो B2B हो। तो गाइस आपको कौन सी फाइल करनी है, GST RET 3। तो इसमें जो हमारी GST RET 2 है सहज और GST RET 3 सुगम है, तो इसमें सिर्फ जो डिफरेंस है वो RCM प्लस B2B का है, इसमें RCM और B2B इसमें बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। तो यदि आपकी ऐसी सप्लाई है इनवर्ड या आउटवर्ड जिसमें B2C प्लस B2B और RCM है, तो आपको GST RET 3 सुगम सिलेक्ट करनी है। अब गाइस बात आती है, अब हम आते हैं GST RET 1 नॉर्मल पर। तो गाइस इसमें क्या है, जो हमारी GST RET 2 सहज है और GST RET 3 है सुगम, इनको छोड़कर यदि किसी की सप्लाई इनसे अलग है, डिफरेंट है, तो उसको GST RET 1 नॉर्मल सिलेक्ट करनी है। अब इसमें क्या क्या आते हैं गाइस, B2C प्लस B2B प्लस इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाई प्लस इंट्रा प्लस इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई प्लस RCM। तो गाइस इसमें हमारी चाहे हमने लोकल में सेल की हो, चाहे हमने अदर स्टेट सेल की हो, चाहे हमने परचेज की हो लोकल, चाहे अदर स्टेट हमने परचेज की हो, और इसमें B2C हो, चाहे इसमें B2B हो, और इसमें RCM भी है। तो गाइस कुल मिलाकर इसमें जो GST RET 1 है इसमें नॉर्मल में हमारी सभी इसमें इंक्लूड हो गए हैं, चाहे हमने लोकल में सेल की हो, चाहे हमने अदर स्टेट को सेल की हो, चाहे हमने लोकल में परचेज की हो, चाहे अदर स्टेट में से परचेज की हो, और चाहे इसमें B2C हो चाहे इसमें B2B हो, और प्लस इसमें RCM एप्लीकेबल है। तो GST RET 1 नॉर्मल जो रिटर्न है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो गाइस जो हमारी क्वार्टरली है इसमें तीन दी हुई हैं, जैसे कि GST RET 1 नॉर्मल, GST RET 2 सहज, GST RET 3 सुगम। तो गाइस आपको जो सिलेक्ट करनी है क्वार्टरली में, यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो आप क्वार्टरली सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या गाइस, यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप क्वार्टरली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें तीन दी हुई हैं, तीन में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, आपको अपने अनुसार जो आपकी सेल होती है, जो आपकी परचेज होती है, तो उसी के आधार पर अपनी सिलेक्ट करनी है ऐड प्रोफाइल, और आपको उसी प्रकार से ही अपनी रिटर्न फाइल करनी है। अब गाइस बात आती है 5 पर एनेक्सर। अब इसमें एनेक्सर क्या है, तो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, तो इसमें दो दिए हुए हैं। तो गाइस जो हमारा एनेक्सर 1 है इसमें रिप्लेस GSTR 1, तो गाइस इसमें हमारी GSTR 1 को हटाकर एनेक्सर 1 कर दिया गया है। तो कुल मिला के गाइस इसमें जो है हमारा
नाम चेंज कर दिया गया है, या इसकी जो हम GSTR1 अपनी तैयार करते हैं ऑफलाइन टूल के द्वारा, तो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं क्योंकि उसका अपडेट वर्जन इन्होंने अपलोड कर दिया GST पोर्टल पर, तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस एनेक्सर 1 जो है वो हमारी GSTR1 है। तो गाइस ये हमें रिटर्न फाइल करनी है एनेक्सर 1, तो ये फॉर्म जो जमा करना है एनेक्सर 1 जो कि हमारा GSTR1 है। कुल मिला के देखा जाए तो ये हमारा GSTR1 है जिसको रिप्लेस कर एनेक्सर 1 इसका नाम रख दिया गया है। तो गाइस जो हमारा एनेक्सर 1 है ये सिर्फ जो हमारी मंथली हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसी को ही एनेक्सर 1 अपना भरना होगा, और जिसकी क्वार्टरली है जैसे कि इसमें GST RET 1 नॉर्मल, GST RET 2 सहज और GST RET 3 सुगम है, तो गाइस उसको अपनी क्वार्टरली बेस पर भी एनेक्सर 1 फॉर्म भरना होगा। तो गाइस जो एनेक्सर 1 है वो मंथली बेसिस पर भी भरा जाएगा और क्वार्टरली बेसिस पर जो आपने सिलेक्ट किया है उस पर भी एनेक्सर 1 भरा जाएगा। जैसे कि अब हम जो मंथली की है तो वो मंथली में हम GSTR1 रिटर्न फाइल करते हैं, और गाइस जो क्वार्टरली है वो 3 महीने के बाद हम GSTR1 रिटर्न फाइल करते हैं। तो गाइस उसी बिल्कुल सेम ही इसमें कंडीशन है बट इसमें फॉर्म चेंज कर दिए गए हैं। अब गाइस एनेक्सर 2 है तो एनेक्सर 2 में हमारा रिप्लेस कर जो GSTR2 को रिप्लेस कर एनेक्सर 2 रख दिया गया है, जो कि गाइस हमारा GST पोर्टल पर GSTR2A हम डाउनलोड करते हैं या उसमें चेक करते हैं तो गाइस सेम वैसे ही हमारा एनेक्सर 2 है। तो गाइस जो GSTR2 है उसको रिप्लेस कर एनेक्सर 2 नाम रख दिया गया है। तो गाइस इसमें आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इसमें सिंपल वे में आपको बता दिया है आपको किस प्रकार अपनी जो प्रोफाइल है वो ऐड करनी है। आप इसी यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप सिंपल सी बात है आप क्वार्टरली ही अपनी ऐड प्रोफाइल करेंगे। अब करेंगे किस प्रकार, तो आपको इसमें GSTR RET 1 नॉर्मल, GST RET 2 सहज और GST RET 3 सुगम में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, तो आपको ये सिलेक्ट कर लिए हैं। और गाइस यदि आपकी 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर है तो आपको मंथली बेसिस पर ही रिटर्न फाइल करनी है। तो गाइस उसके लिए आपको PMT 08 यदि आपकी आपने मंथली सिलेक्ट की है तो आपको PMT 08 मंथली बेसिस पर ही अपना फॉर्म भरना होगा। और गाइस एनेक्सर 1 जो कि हमारा GSTR1 है तो वो भी आपको मंथली बेसिस पर अपना फॉर्म जमा करना होगा। और गाइस यदि आपकी क्वार्टरली है तो आपको PMT 08 मंथली बेसिस पर ही अपना फॉर्म भरना होगा, बट जो आपकी एनेक्सर 1 है वो आपको क्वार्टरली बेस पर अपना एनेक्सर 1 फॉर्म भरना होगा। तो गाइस इसमें मैंने आपको जो आपको सिलेक्ट करनी है प्रोफाइल वो भी बता दिया है, और जो आपको रिटर्न फाइल करनी है न्यू GST रिटर्न में वो भी मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से बता दिया है। आई होप ये न्यू GST रिटर्न आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको अपनी जो प्रोफाइल है वो ऐड करनी है और आपको इसी प्रकार ही अपनी जो GST की रिटर्न है वो फाइल करनी है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइस यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।